नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डिप्टी एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बातचीत करते हैं नागरिकता से। असम में NRC के आने के बाद से ही पूर्वोत्तर में नागरिकता का मसला जो है वो चर्चा में बना हुआ है। बीते दिनों गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पूर्वोत्तर में पहुंचे और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में दोबारा से कहा कि उनकी सरकार वापस से ये बिल अगले सत्र में लेकर आएगी। यहाँ दर्शकों को बता दें कि इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर में बहुत लंबा विरोध देखने को मिला था। असम में जो सहयोगी दल है AGP, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया था भाजपा सरकार से। बाकी के नागालैंड, मणिपुर और सभी राज्यों में पूर्वोत्तर के सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAP को लेकर बहुत बड़ा विरोध देखा गया है। और अभी जब अमित शाह साहब ने बयान दिया है, इसके बाद भी कई मुख्यमंत्री जो हैं पूर्वोत्तर के, उन्होंने इसको लेकर अपनी जो असंतुष्टि है वो जाहिर की है। ऐसे में जब दोबारा से NRC के मुद्दे को लेकर नागरिकता वापस से सवालों के घेरे में है, लगातार भारतीय नागरिकों को इंटरनेशनल मीडिया भी इस तरीके से भारत से सवाल कर रहा है, वापस से धर्म के आधार पर नागरिकता है, जो कि नागरिकता संशोधन विधेयक का मूल है, वो मुद्दा अगर वापस आता है तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो असम और नॉर्थ ईस्ट का एक अलग रवैया होगा उसमें, जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लोग अभी भी प्रस्तुत है इसके लिए। आम जनता तो नहीं है, और क्योंकि आम जनता नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी भी इसके साथ नहीं जा सकते हैं। हालांकि पहले के ज़माने की आइडियोलॉजी और इतना वो जो स्ट्रॉन्ग थे वो सब आजकल नहीं है। आप देखिएगा, कल सुबह कांग्रेस होके उठते हैं, शाम को BJP होके सो जाते हैं। तो ये ही वो है, तो उसमें अदल बदल हो रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ये है, पॉलिटिक्स में और या करियर में अगर आगे बढ़ना है तो ये सब वो एक्सेप्ट भी करेंगे और भाजपा भी चाहते हैं कि ये सब करें। लेकिन मूल मुद्दा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लोगों के पास जाना है वोट मांगने, और लोग इस बार में कतई एक इसका पक्ष में नहीं है। तो BJP को भी दिक्कत हो रही है और ये बाकी जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो नेडा के पार्टनर्स हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है, और वही वो जाहिर किए उन्होंने उस टाइम। तो बात ये है। और दूसरा लेवल में जो हो रहा है नेशनल लेवल में, आप देखिएगा, मतलब असम और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो इसको तो पहले भी बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा इसका ऑपोजिशन हुआ है, और सेम उसमें मैं कोई फ़र्क नहीं देखती हूँ, क्योंकि उनके कहने के बाद ही आसू स्ट्रीट में आ गए थे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोटेस्टर्स बाहर आ गए थे। तो ये होने वाला है, और मुझे लगता है कि कुछ कोशिश ऐसी होंगी कि जैसे एक कमेटी बनाई गई है जो असम एकॉर्ड के तहत, जो Clause 6 कमेटी, हाई लेवल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाए हैं थोड़े दिन पहले, कि इसको जो वहाँ के SMEs लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं असम के, तो उनको कुछ राइट्स, लैंड राइट्स या कुछ और राइट्स दे सकते हैं क्या, उसकी उसको रिकमेंडेशन के लिए कमेटी बनाया गया। तो शायद वो शायद साथ लाना चाहे, तो ऐसा कुछ करके शायद वो प्रॉब्लम को कम करना चाहे, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इसको बहुत अपोजिशन होगा इसका नॉर्थ ईस्ट में। और दूसरी बात यह है नेशनल लेवल में। नेशनल लेवल में आप देखिएगा, पिछली बार भी कई बाकी पार्टियों ने भी इसकी अपोज नहीं किए हैं। हालांकि पहली बार है जो सिटीजनशिप एक्ट को इन ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप एक रिलीजियस ओवरटोन बड़ा स्ट्रॉन्गली आप ला रहे हैं उसमें। लेकिन चाहे आप कांग्रेस कहे, चाहे लेफ्ट पार्टीज कहे, चाहे बाकी और रीजनल पार्टी जो नेशनल लेवल में भी खेल रही है, कोई भी इसको अपोज नहीं करेगा। और जिस तरह से राज्यसभा में भी बिल ऐसे पास हो जा रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है, तो BJP बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये बिल भी पास करवा लेंगे, क्योंकि ये बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका था पिछली बार, तो राज्यसभा में नंबर्स नहीं थे और कांग्रेस ने भी इसको थोड़ा बहुत रोकने की कोशिश करी। पर मुझे नहीं लगता है कि इस बार ये होगा, क्योंकि आप देखिएगा, अगर एक ही पार्टी होगी जो इसको बहुत अपोज करेगा वो है TMC, क्योंकि TMC नहीं चाह रहे हैं कि अगर ये होता है तो फिर बंगाली हिंदू जो है, बहुत ज़्यादातर हिंदूज, बंगाली हिंदूज सब तो नहीं कह सकते, लेकिन वो इसको सपोर्ट करते हैं, चाहे आप किसी भी एफिलिएशन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, आप किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना भी हो,
तो वीर कॉमन लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन ममता जी का प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको ये पास कराते हैं, जैसे बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्गली और इन अ कैलिब्रेटेड मैनर वो इलेक्शन खेलते हैं, तो इनको अभी 2 साल बाद इलेक्शन खेलना है वेस्ट बंगाल में, तो ये तो एक बहुत बड़ा वेपन बीजेपी के लिए हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो इलेक्शन से पहले बीजेपी जरूर ट्राई करेगा ये। और अभी से आप देखिएगा एनआरसी को लेके ममता जी स्ट्रीट पे कल से आ चुकी हैं, तो ये फाइट ये वही होगा एनआरसी वर्सेस सिटीजनशिप बिल। यही मेरा अगला सवाल था, जैसे कि लगातार एनआरसी के बाद से कहा जा रहा था, एनआरसी से पहले भी जो रिलीजन वाला जो एंगल है ये लगातार हमने इसी कार्यक्रम में डिस्कस किया है, बाकी भी चर्चाओं में ये बना रहा कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया गया था। पर एनआरसी की लिस्ट के बाद में जो बंगाली हैं, जो हिंदू हैं, उनकी भी अच्छा खासा जो नंबर है एक्सक्लूजन में है। अब जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो जितने भी हिंदू हैं यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वो भारतीय नागरिक स्वीकार कर लिए जाएंगे। ऐसे में जो मुस्लिम्स हैं, क्या उस जो वो पहलू होगा उसे लेकर जो विरोध या सामाजिक, अगर हम बात करें हम राजनीतिक स्तर पर छोड़कर समाज के स्तर पर बात करें, तब क्या इसको स्वीकार्यता मिलती दिख रही है? नहीं, बात तो ये है कि विद इन द कंट्री क्या हो, एक ऑपोजिशन तो होगी, बट इंटरनेशनल रेपरकशंस इसका बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप इसका मतलब कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली अगर आप असम के एनआरसी को जो लोग रह गए हैं, अब करीब 20 लाख लोग रह गए हैं, 19 लाख कुछ रह गए हैं, तो उनमें से जब जो बहुत सारे लोग तो अपने सिटीजन जेन्युइन सिटीजन क्लेम कर रहे हैं वो, तो उनको भी न्याय जब तक मिलेगी सब कुछ में कुछ लाख लोग शायद रह जाए, तो उसी में से अगर वो सेग्रीगेट करेंगे हिंदू है या मुसलमान, तो उसमें भारत में तो होगा ऑपोजिशन तो मुझे लगता है, लेकिन इंटरनेशनल रेपरकशंस इसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है और होगा ऑलरेडी। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस वगैरह इसको फ्लैग कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, फिर आप देखिएगा जो मुस्लिम कंट्रीज़ है इनको भी कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के लिए, मतलब एक बड़ा मुद्दा बनेगा अगर ये सिटीजनशिप बिल ला के इसको सेग्रीगेट करे। जी, यानी कि अगला जो सत्र होगा लोकसभा का, जो संसद का अगला सत्र होगा, उसमें ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, लग रहा है मुझे ये वो हो सकता है, क्योंकि जैसे आप वो एकदम से वो बोगी फिर से शुरू कर दिया है बीजेपी प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और दूसरी बात ये है कि एक और बात चल रही है, आप अगर मतलब हमें तो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन असम के लिए एक स्पेशल एक्ट लाया गया था, पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है, बहुत पुराना एक्ट है, जैसे पार्टीशन के बाद 50s में ये इमिग्रेशन एक्सपल्शन एक्ट कहते हैं, तो इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट। सो इमिग्रेंट एक्सपल्शन माने इस साइड से जो मतलब अब का बांग्लादेश, सो जो आए थे तो उनको जो मतलब घुसपैठिया के हिसाब से वो देख रहे थे और या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं असम के एरियाज़ में, तो उनको बॉर्डर के उस पार कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली जब आप उसका पूरा एक्ट को पढ़े, तो ये एक्ट एक्चुअली बंगाली जो हिंदूज थे वहाँ से आए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो बात अभी असम में किसी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में या पावर कॉरिडोर्स में ये भी चल रहा है कि शायद ये ना लाए नया लेजिस्लेशन जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करो, और असम के लिए शायद इसी को ही ला के बंगाली हिंदू जो इनको बीजेपी के वोटर बेस पे माना जाता है स्टेट में, तो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन बात यह है कि फिर भी वो एक सेग्रीगेशन रिलीजन के आधार पर होगा, लेकिन कांग्रेस जिसने ये लाए थे इनिशियली, जब सरकार कांग्रेस की ही थी जब ये लाए थे, तो कांग्रेस वोंट बी एबल टू क्वेश्चन मच, क्योंकि बट एक बात ये है कि पार्टीशन के टाइम पे ये रियलिटी था तो ये किए थे, लेकिन अभी जो बीजेपी कहते हैं कि वो उसी नैरेटिव को वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस इतना रोक पाएगा मुझे नहीं लगता, मतलब मॉरल हाई ग्राउंड नहीं होगा। जी, यानी कि विपक्षी दलों के सामने भी चुनौती है कि वो किस तरीके से इसका विरोध करें। जी, अगला जो हमारा जो खबर है वो है जापान की। नागालैंड में जापान से एक डेलीगेशन आया हुआ है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, विश्व युद्ध 2 के समय में जो सैनिक जो यहाँ लड़े थे, भारत ने उस डेलीगेशन को अनुमति दी है कि वो जापान के जो लोग हैं
वो डेलीगेशन यहाँ आकर जापानी सैनिकों का जो बरियल है, जो उनको दफनाया गया जहाँ पर, उसको वो देख सके। ये क्या मसला है? क्योंकि ये मसला ऐसे ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जापान वो दूसरा देश होगा जिसको भारत ने इजाज़त दी है यहाँ आकर अपने सैनिकों की बरियल साइट्स देखने के लिए। इससे पहले अमेरिका को ये इजाज़त दी गई थी। ये पूरा क्या मामला है? अमेरिका को जब इजाज़त दिया था पिछले साल, इन्होंने कुछ रिमेन्स लेके भी गए, वो अरुणाचल में बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट थे। अरुणाचल वैसे एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे एयर पॉकेट्स है एंड वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट, जिसके वजह से आप बार बार आप साल में 3-4 बार या हर बार आप एक खबर आती है अरुणाचल में कि बहुत सारे जो जो एयरप्लेन्स है, बेसिकली आर्मी ही एयरफोर्स चलाते हैं, तो ये क्रैश होते हैं, गायब हो जाते हैं कई दिन, फिर क्रैश हुआ पाया जाता है। रिसेंटली ये भी केस हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किए थे। तो ये अरुणाचल इज़ अ वेरी ट्रिकी एयर स्पेस है उसमें, तो और बॉर्डरिंग चाइना, तो उसमें ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे ये हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट वहाँ पे एयर क्रैश हुआ था, यूएस एयरमैन वहाँ पे क्रैश में मरे थे। तो ये भारत सरकार को बहुत बार से इन्होंने रिक्वेस्ट करते रहे, कभी दिए खुद डिगिंग करने, कभी नहीं। तो गवर्नमेंट का अपना मतलब उसका डायरेक्ट वो ग्राउंड पे वर्क चलता है, तो और चाइना भी इसको अपोज करती है क्योंकि बॉर्डर में है। तो लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इसको अलाउ किया और अगेंस्ट चाइनीज़ ऑपोजिशन, पर फिर भी पिछले साल इन्होंने कुछ रिमेन्स लेके गए। इस बार हम देख रहे हैं कि ये मणिपुर और नागालैंड में अभी शुरू हुआ है, ये पहला ट्रिप है, 11 दिन का ट्रिप है। ये एक डेलीगेशन अब आए हैं और कुछ गांव जो हैं, 4-5 गांव जो है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको लोग मतलब रिसर्च करके भी ये करते हैं कि इसी टाइम यहीं जगहों पे जापानी सोल्जर्स मारे गए थे और उनको वहीं पे दफनाए गए थे। क्योंकि देखिए मणिपुर से भारत को आक्रमण किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापानीज़ ने, और जिसके साथ हम कहेंगे कि मतलब आज़ाद हिंद फौज भी साथ आए थे, तो वहीं से भारत में प्रवेश किए थे। तो उसमें जब मणिपुर का युद्ध हुआ और उसके बाद कोहिमा में इनको रोका गया, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था एलाइड फोर्सेस बेसिकली ब्रिटिश फोर्सेस के साथ, और नागास ब्रिटिश के साथ थे, तो इट वाज अ वेरी ब्रूटल बैटल 1944 में। और जो आप देखिएगा ब्रिटिश का जो ब्रिटिश आर्मी का म्यूजियम है उसको ग्रेटेस्ट बैटल, ग्रेट ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल बताते हैं इसी युद्ध को। सो उस युद्ध में मतलब कम से कम 70,000 या 1,00,000 आप ले लीजिए जापानीज सोल्जर्स मरे थे। तो उनके जो बॉडीज़ वहाँ पे दफनाए गए थे, तो ये नाउ दे आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज़ आल्सो इंटरविनिंग, और ये कह रहे हैं कि मतलब उनके जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत एडवांस एज में हैं और हमें इसको बॉडीज रिमेन्स ढूंढ के ले जाना है अपने कंट्री में। और ये सेकेंड कंट्री है जिसको अलाउ किया गया है, ये अभी नागालैंड है, अब नवंबर में मणिपुर में शुरू करेंगे। लेकिन और जापानीज गवर्नमेंट मणिपुर में बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक म्यूजियम भी बनाने वाले हैं इस यूथ को रिमेंबर करके। लेकिन बात यह है कि जापान भी कोई चाइना का दोस्त नहीं है, तो ये भी एक और मुझे लगता है जैसे हम एक तरह से ये भी एक पढ़ सकते हैं कि भारत शायद मतलब एक इनडायरेक्ट एक मैसेज चाइना को भी भेज देना चाहता है उनको अलाउ करके। जी। अगली खबर है नागालैंड से ही। नागालैंड में नागा पीस टॉक्स चल रही हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2015 से चल रही ये जो शांति वार्ता है इसको अक्टूबर तक खत्म करना है। ये 2015 से चली आ रही है। इसमें जो अपडेट है क्या संभव होगा, क्या हमारे सामने आएगा? क्योंकि इस पीस टॉक को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, जो नागा ग्रुप्स हैं उन लोगों के जी कई डेडलाइंस दिए गए थे वो सब पार हो चुकी हैं। अब इस वक्त जो प्रॉमिस किया गया है उसकी सच्चाई अगर हमें देखा जाए तो क्या ये हम देख सकते हैं वास्तविकता में बदलता हुआ? देखिए ये है एक ये जो 370 जो जम्मू कश्मीर में था आर्टिकल 370 इसको हटाने के बाद एक हड़बड़ी यहाँ पे भी मची है। 371 है और 371 के तहत गवर्नर्स को भी बहुत सारे पावर्स मिलते हैं, जो इंटरलोक्यूटर भी है मिस्टर आर एन रवि। और दूसरी बात ये है कि स्टेट्स को तो अलग कुछ मिलते ही हैं
असेंबली को कुछ पावर्स मिलते हैं, बट गवर्नर का पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पावर्स मिलते हैं। तो उसमें ये है कि अब जब 370 हटा दिया गया है, उसमें बात निकल के आई है, अब जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसकी बात आप जिक्र कर रही हैं, अगस्त को मैं साइन किया था 2015 में न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रेजेंस में, तो उसमें NSCNIM के साथ, तो उसमें ये है कि ये अब निकल के आया है, जो आप पेपर्स में आप कल परसों का पेपर्स आप देख लीजिएगा, मतलब दिमापुर कोहिमा से जो निकले हुए हैं लोकल पेपर्स, तो ये कह रहे हैं ओपनली अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में क्या था वो कह रहे हैं NSCN कि इसमें सेपरेट फ्लैग की बात कही गई थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात उठाई गई थी, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी होगी, और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया है प्रेस को कि हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम भारत के साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है वो इस चीज़ें कहना, और ये सब हुआ है। और अब बात निकल के ये आई है कि जो फ्लैग की बात कर रहे हैं, फ्लैग के लिए एक्सेप्टेंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोज टू हैव एक्सेप्टेड, लेकिन वो कहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हो या उनके जो बिल्डिंग्स में आप इसको नहीं लगा सकते, भारत की झंडा लगेगा, तो उसमें एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आप देखिए 14 अगस्त को हमेशा इसी फ्लैग को लगा के हॉइस्ट होती हैं और नागास इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो उसमें मुझे लगता है एक इतना कॉम्प्रोमाइज NSCN अगर करेंगे तो लोगों का सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, तो बहुत कुछ देख के मुझे ख्याल से दे हैव टू ट्रीट वेरी केयरफुली ऑन दैट। और दूसरी बात यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, अब बात ये निकल के आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब जो कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशंस है उसी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन भारत का संविधान चलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग से चलेगा जो अब उनके कस्टमरी लॉज है कोर्ट्स है तो इसके लिए बनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी एक डाइल्यूटेड वर्जन भी मुझे लगा कि ऐसा लोगों को लगे ना, और एक्सेप्टेंस, क्योंकि नागा एकॉर्ड का एक्सेप्टेंस लोगों में बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, और टू द क्रेडिट ऑफ द इंटरलोक्यूटर पहली बार है जो NSCN के साथ तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स है सभी को एकजुट लाने में ये इंटरलोक्यूटर सक्सेसफुल है। तो अगर इसके बाद अगर ये आगे नहीं बढ़ता है, जो कि अभी भी जो इंटरलोक्यूटर है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आगे है और अक्टूबर तक हम डिलीवर करेंगे, लेकिन अगर नहीं होता है इट विल बी वेरी वेरी इट विल बी अ सॉलिड सेटबैक। यस, इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।